बॉलीवुड में रोहित शेट्टी एक बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन फिल्म मेकर है, ज्यादा किसी विवाद में नहीं पड़ते। जबकि बॉलीवुड के लोग ये जो दिखावा करते हैं पैपराजीज को लेकर, उसके बारे में भी इन्होंने बता दिया कि ये लोग दिखावा क्यों करते हैं, कैसे पैपराजीज को पता चलता है कि ये सेलिब्रिटी इस वक्त यहाँ पर इस जगह पर आने वाला है। तो रोहित शेट्टी खुले तौर पर बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ये जो फिल्म बनाई थी सर्कस, जिस फिल्म से इन्हें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। एक तो बॉयकॉट के चलते फ्लॉप हुई, दूसरा रणवीर सिंह इस फिल्म का हिस्सा है, फिर दीपिका पादुकोण को भी इसमें लिया गया था, तो इस वजह से फिल्म का विरोध हुआ और ये फिल्म बॉयकॉट हो गई। अगर इस फिल्म में रणवीर सिंह नहीं होते, कोई और होता, तो शायद ये फिल्म चल भी जाती, लेकिन रणवीर सिंह अकेले ही इस फिल्म को ले डूबे। और ऊपर से ये फिल्म उतनी बेहतरीन बनी भी नहीं थी, फिल्म बहुत ही बकवास बनी थी, वो कॉमेडी भी इसमें दिखाई नहीं पड़ी जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा है। अब इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे थे हैदराबाद में, इसी दौरान रोहित शेट्टी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो हॉस्पिटल रहते हैं 2 दिन, उसके बाद बाहर निकल कर आते हैं, लेकिन बड़े ही पॉजिटिव नोट पर कुछ बातें शेयर करते हैं। उन्होंने लिखा कि सर्कस फिल्म के बुरे दौर से गुजरने से लेकर मेरा एक्सीडेंट होने तक मैं और मेरी टीम ने बहुत कुछ फेस किया है। हम उठते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं, सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बल्कि इस लड़ाई को जीतने के लिए। सिंघम अगेन का भी काम प्री प्रोडक्शन में चल रहा है, जल्दी इसकी शूटिंग शुरू की जाएगी। तो फिलहाल रोहित शेट्टी का एक्सीडेंट हुआ है, हाथों में पट्टियां वगैरह बांध कर उन्होंने पीछे उड़ती हुई कारों के दृश्य दिखाए हैं, उन्हीं चीजों को लेकर अपना एक दर्द शेयर किया है कि भाई हम गिरे हैं लेकिन उठेंगे जरूर। लेकिन उठने के लिए रोहित शेट्टी को भी चाहिए कि अपनी फिल्म में उन स्टार्स को ना ले जिनका बॉयकॉट किया जा रहा है, जिनसे लोग नफरत करते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लोग पसंद भी करते हैं। तो उन लोगों को लेकर अगर फिल्म बनाते हैं तो फिल्म हिट होगी।